हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं मैंगो जैम। मैंगो जैम बनाने के लिए हमें चाहिए आम, चीनी और नींबू। ये मैंने मैंगो पल्प लिया है, ये आधा किलो है, मतलब मैंने 6 आम लिए हैं जो कि 600 ग्राम के आसपास थे, तो उसको पील ऑफ किया, फिर उसकी गुठली वगैरह निकाल के हमारा 500 ग्राम के आसपास मैंगो पल्प बना है। ये 300 ग्राम मैंने चीनी ली है और ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नींबू का रस। आइए अब शुरू करते हैं। इसको हम सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने अब ये जो मैंने 300 ग्राम चीनी लिया है इसको मैंने मिक्स कर दिया है पूरा। अब हम इंडक्शन ऑन कर लेते हैं। इसको आप गैस पे भी बना सकते हैं, लो टू मीडियम रखिएगा फ्लेम को और इसको हमें लगातार चलाना है। इसको हमें तब तक चलाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। अभी तो ये इसमें चीनी पहले मिक्स होगी पूरी अच्छे से, और आजकल जैसे मैंगो का सीज़न है तो इस वक्त हम अब हम इसको बना के रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं इसको, तो फिर हम कभी भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको, और सामान भी ज़्यादा नहीं यूज़ होता। इसमें चीनी हमने इसलिए थोड़ा ज़्यादा ली है, वैसे तो मैंगो भी बहुत मीठे होते हैं लेकिन चीनी जो होती है वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा कोई प्रिजर्वेटिव डाल नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम चीनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ली है इसमें, और थोड़ा नींबू डालेंगे तो उससे भी थोड़ा सा ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ये देखिए, इसको 12 मिनट चलाते हुए हो गए हैं। इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, इसको हमेशा लगातार चलाते हुए बनाना चाहिए, नहीं तो ये उबाल लेने लगता है, एकदम खदकने लगता है। और ये देखिए, थोड़ा सा कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए, इसको 25 मिनट मुझे चलाते हुए हो गए हैं, ये अब बिल्कुल पक के तैयार है। ये देखिए बिल्कुल, इसमें अब मैंने नींबू ऐड कर देना है। नींबू से जो चीनी होती है वो भी क्रिस्टलाइज नहीं होती, तो इस वजह से, और ये थोड़े टाइम के लिए हम इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसको अब हम वैसे इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि आप एक प्लेट में लीजिए इसको एक ड्रॉप, और इसको देखिए इस तरीके से हम ऐसे प्लेट को जब ऐसे हिलाते हैं तो ये बिल्कुल मूव नहीं होता है, बिल्कुल भी, बिल्कुल स्टिक हो जाता है ये। इसका मतलब ये बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है जैम। इंडक्शन मैंने ऑफ कर दिया है, अब बस इसको ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको जार में भर के रख लेंगे। इसको आप एंजॉय करिए। फिर देखिए जैम तैयार है। ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।